आज इस सौभाग्यपूर्ण सभा में हमारे मंच पर उपस्थित जमुई के ऊर्जावान सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी, मंच पर उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथिगण, सभा में आए सभी हमारे बहनों भाइयों, छोटे बच्चों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को जमुई की बेटी का सादर प्रणाम है। साथियों, आज गर्व होता है ये देखकर कि भले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हम सबके बीच उतना आते जाते नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 24 करोड़ का ये प्रोजेक्ट देकर उन्होंने जमुई स्टेशन का कायाकल्प करने का काम किया है, उसका जीर्णोद्धार करने का काम किया है, जिसकी आवश्यकता हम जमुई वासियों को कई वर्षों से थी। साथियों, मामला रेलवे का है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल बात नहीं, क्योंकि हम ऐसे परिवार से आते हैं, ऐसे व्यक्ति की सुपुत्री हैं जिन्होंने अपने कार्य में सबसे अधिक रेलवे का काम किया और जमुई बापा जैसे पिछड़े हुए इलाके को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट करने का काम किया आदरणीय स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी। आज ये कार्यक्रम हमारे लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम से बढ़कर एक पारिवारिक कार्यक्रम भी है, क्योंकि इससे हमारी ये भावना जुड़ी हुई है कि जो काम हमारे पिता ने शुरू किया उस काम को आगे बढ़ाने में आज हमारी, हमारे माननीय सांसद, हम सबकी भागीदारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जिनका भाषण सुनने के लिए हम सब बेकरारी से बैठे हुए हैं, 11 बजे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हम सबके बीच आके 508 स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तमाम जमुई की जनता को मैं एक बार बधाई देती हूँ और आप इसी तरह से अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय जमुई। धन्यवाद मैम, एक जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। इस समारोह के उपलक्ष्य में